डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं चैप्टर टू पढ़ाऊंगा जिसका नाम है, टाइटल का नाम है, यानी कहानी का नाम है, ग्रैंडमा इज डाइंग। ग्रैंडमा मर रही है, तो इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, अपने अपने बुक्स निकाल लेंगे और लाइन को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे हमारी बात को। ये देखिए, ये इसका चैप्टर है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो आप सभी जो है अपने अपने बुक को खोल लीजिए, चैप्टर टू निकाल लीजिए और मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो निकाल लेंगे आप लोग सभी अपने। चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन इसका है, जैक वाज फीलिंग स्केयर्ड, हिज मम्मी एंड डैडी वेयर नॉट एट होम दैट नाइट। जैक जो है वो भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ जो है घर पर नहीं है, ना पिताजी घर पर है और ना मम्मी घर पे है। तो ऐसी स्थिति में जब घर पे माँ और पिताजी नहीं रहते हैं तो डर लगता है, तो जैक को भी डर लग रहा है। जैक रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, डैडी एंड आई विल बी बैक टुमारो, टेक केयर ऑफ योर ग्रैंडमा, यू आर अ वीक बॉय नाउ। ये बातें इसकी माँ कहती है, जैक की माँ कहती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, मैं कल वापस आ जाऊंगी, हम दोनों वापस आ जाएंगे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी दादी माँ का ख्याल रखोगे। जैक वाज क्लिंगिंग टू हिज ग्रैंड मदर, ही न्यू ही वाज सेफ विद हर, बट टू नाइट ही वाज अ लिटिल स्केयर्ड। जैक क्या करता है कि अपनी ग्रैंड माँ के हाथ को कस करके पकड़े हुए होता है। वह जानता है कि वह सेफ है, अपनी ग्रैंड माँ के साथ जैक भी सुरक्षित है, सेफ है। लेकिन उस रात को, यानी उसकी माँ और उसके पिताजी उस दिन नहीं होते हैं, इसलिए जैक थोड़ी सी उसको भय होती है और डर सा रहता है उसके मन में। द डोरबेल रैंग, इट वाज मिसेज जैन, सी हैड कम टू मेक श्योर दैट दे वेयर फाइन। अब दरवाजे पे दस्तक होती है, रिंग बजती है, बेल बजता है, तो जब देखता है ये मिसेज जैन है, जो ये जानने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए आई है कि ये लोग अर्थात जैक और जैक की ग्रैंड माँ दादी जो है वो ठीक तो है, सही तो है, ये कंफर्म करने के लिए आती है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों आप लोग निकालेंगे, नेक्स्ट पेज ये रही, अब मैं इसको पढ़ाऊंगा। जैक कुड हियर ओनली जॉली टॉकिंग टू हिज पेट। अब जो है जैक सुनता है क्या कि उसके अंकल जो है जॉली, वो अपने पालतू कुत्ते से, अर्थात पालतू जो जानवर है उससे बातें कर रहे हैं। प्रोबेबली ही हैड टेकन द लिटिल डॉग आउट फॉर अ स्ट्रॉल। ऐसा फील होता है, इसे ऐसा एहसास होता है कि वह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर लाए हैं। जैक स्क्रीम्ड हिज ग्रैंडमा, अब आवाज़ देती है ग्रैंडमा, आवाज़ देती है जैक को। जैक रश्ड टू द बाथरूम, अब जो है जैक बाथरूम की ओर दौड़ करके जाता है। ग्रैंडमा वाज ब्लीडिंग, ग्रैंडमा का खून निकल रहा था। ग्रैंडमा इज डाइंग हेल्प, अब वह चिल्लाता है, कहता है ग्रैंडमा मर रही है, मदद करो, बचाओ। अंकल जॉली हर्ड हिम एंड सॉर्टेड एवरीवन अप,
अंकल जो डॉग को लेकर के घुमा रहे थे वो इसकी आवाज़ को सुनते हैं और तेज़ी से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सभी उठो, मिसेज पीटरसन नीड्स हेल्प, मिसेज पीटरसन को मदद की ज़रूरत है। जाहिदा कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, जाहिदा जो है वो एम्बुलेंस वाले को कॉल करती है। मिस्टर सिंह क्विकली गॉट हिज कार, मिस्टर सिंह जो है वो अपना कार निकाल लेता है। मिसेज जैन हग्ड जैक एंड सेड शी विल बी ओके सर, अब जो है मिसेज जैन जो है वो जैक को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। चेंजेइन गेव फर्स्ट एड टू ग्रैंडमा, अब जो है चेंजेइन जो है गाड़ी में ही अर्थात उसके पहले ही वह फर्स्ट एड जो होता है यानी डॉक्टर से पहले, डॉक्टर की चिकित्सा से पहले दिए जाने वाले चिकित्सीय मदद को अर्थात जो शुरुआत में देखभाल किया जाता है डॉक्टर के अनुपस्थिति में घर पर रह करके उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो चेंजिंग जो है ग्रैंड माँ का फर्स्ट एड देता है। दे ड्रोव हर टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, अब जो है वे लोग ग्रैंड माँ को एक पास के ही किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इन द मीन टाइम चेंजिंग कॉल जैक्स पेरेंट्स, अब जो है इसी दौरान चेंजिंग जो है वो जैक के पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। अ फ्यू डेज लेटर जैक्स ग्रैंडमा वाज बैक होम, अब कुछ दिनों के बाद जैक की ग्रैंडमा जो है वो वापस घर आ जाती है अर्थात वो ठीक हो जाती है। मिस्टर एंड मिसेज पीटरसन अरेंज अ स्मॉल पार्टी, अब जो है मिस्टर और मिसेज पीटरसन जो है एक छोटा सा पार्टी अरेंज करती है, रखती है। ग्रैंडमा थैंक्ड हर नेबर्स एंड सेड थैंक यू माई नेक्स्ट डोर फैमिली, और उस दिन जो है उस पार्टी में ग्रैंडमा जो है सभी को धन्यवाद देती है, अपने सारे पड़ोसियों को धन्यवाद देती है क्योंकि पड़ोसी ही उस बुरे वक्त में काम आए, उनकी मदद किए, इसलिए वह कहते हैं अपने पड़ोसियों को कि थैंक यू माई नेक्स्ट डोर फैमिली। तो ये था बच्चों आज का ये चैप्टर था जिसे मैंने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तब तक के आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आराम से सुनेंगे और घर पे सुरक्षित रहेंगे।